कमेटी का फैसला वो मानना होता है, लेकिन एक दो साथी अगर ये करते, कोई तोड़फोड़ तो उन्होंने नहीं की, कोई आगजनी तो उन्होंने नहीं की, कोई संपत्ति का नुकसान तो उन्होंने नहीं पहुंचाया, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता के समय अपने साथी है उनको भी अधिकार साथियों। कल टोहाणा दे एमएलए बबली ने किसानां दा अपमान किया गाली गलोच करके। उहदे रोस दे विच अज किसान भारी संख्या दे विच टोहाणा दे विच इकट्ठे होए सीगे। किसानां ने आपदा रोस प्रदर्शन किया, लेकिन एक गुंडागर्दी सरकार ने दिखाई है कि साडे किसान भरावां नूं 27 किसान भरावां नूं फतेहाबाद दे थाने दे विच चक के ले आए आ, उहनां नूं गिरफ्तार कर लिया है। इस दे रोस दे विच साडे किसान भरा भारी संख्या दे विच इकट्ठे होके इत्थे सरसे इत्थे फतेहाबाद सदर थाने दे अगे धरना लाया है। साथियों ये धरना उदों तक चलेगा जदों तक ये सरकार ये प्रशासन साडे किसान भरावां नूं रिहा नहीं कर दिंदा। ये नारे से आंदोलनकारियों को तो ऊर्जा मिलती है और सरकार और प्रशासन के ये नारा जो है वो गोली की तरह से छाती में लगता है। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तार किए साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों हमारे बीच में किसान संघर्ष समिति के राज्य के अध्यक्ष भाई मनदीप सिंह नथवाण बहुत ही जुझारू साथी और हमारे बीच में सुरेश जी सीएसयू के काफी लंबे समय से पूरा जीवन इन्होंने अपने संघर्ष में लगाया है और सभी साथी यहां पर बैठे। आज का जो ये घटनाक्रम हुआ, हमारे साथियों को गिरफ्तार करके यहां पे लाया गया है। टोहाणा के अंदर हम कट कर रहे थे और इतना भारी पुलिस बल लगाया गया, इतनी पुलिस वहां पे इकट्ठी थी। हम इन प्रशासन को और सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा विधायक है इसको तुमने खुला छोड़ रखा है सांड की तरह। ये आदमी जो है जिस तरीके से किसानों का अपमान कर रहा है, हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबली तुझे बलगम की तरह दीवार पे चिपका देंगे, समझ में नहीं आएगा तेरे को किसानों से पंगे मत।